हेलो, नमस्ते। सिंपल केरला रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नॉर्थ केरला के एक पॉपुलर डिश नईपतल। इसे मलबार नईपतल भी कहा जाता है। इसे हम राइस के फ्लोर पे बनाते हैं। दिखने में हमारा पूरी जैसा ही दिखता है। ये बहुत आसान है बनाने के लिए, टेस्ट भी मस्त है। आप जरूर ट्राई कीजिए, बच्चों को तो बहुत पसंद आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। अब तक आपने सिंपल केरला रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही बड़ा है, प्लीज सपोर्ट मी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपका अच्छा या बुरा जो भी कमेंट है वो भी प्लीज शेयर कीजिए। ओके, तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं नई पत्तल। नई पतल बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। एक मिक्सी के जार पे आधा कप नारियल डालिए, 8 से 10 छोटा वाला प्याज, 1 चम्मच जीरा जिसे हम क्यूमिन सीड्स कहते हैं वही जीरा यूज कीजिए। अब हम इन तीनों को हम मिक्सी पे क्रश करके लेंगे, बिना पानी का क्रश करने का। अच्छा पेस्ट होने का जरूरत नहीं है, इस तरह छोटा छोटा दाना होना चाहिए। अब एक बाउल पे 2 कप चावल का आटा लेंगे। मैंने होममेड आटा यूज किया, आपको दुकान से खरीदा हुआ चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। बनाया हुआ नारियल के मिक्स को हम इस आटे पे डाल के अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे गर्म पानी में भूनते हैं। मैंने 1.5 ग्लास पानी यूज किया। अच्छा गर्म पानी है इसलिए 1 चम्मच से हम थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने पानी को नमक डालकर उबाला इसलिए अभी नमक नहीं डाला। आपको पानी पे डालकर भी उबाल सकते हैं, नहीं तो आटे पे नमक डालकर मिक्स कीजिए। चम्मच से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम हाथों से इस तरह अच्छे से भूनना चाहिए, जिस तरह हम चपाती के आटे भूनते हैं उसी तरह अच्छा से भून लेना। इसे बनाना बहुत ईजी है, कोई भी नॉन वेज के करी, वेज कोरमा, राजमा मसाला, एग करी किसी के साथ भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आ जाएगा। दिखने में तो पूरी जैसा ही दिखता है, टेस्ट भी अच्छा है, बहुत क्रिस्पी है और सॉफ्ट भी है। हमारा आटा तैयार हो गया। इसे हम ज़्यादा टाइम रखने का ज़रूरत नहीं, आटा भूनते ही हम इसे बना सकते हैं। अब हम इसे छोटा छोटा बॉल करेंगे, मीडियम साइज़ का बॉल अच्छा रहता है। इस तरह जिसे हम जैसे हम चपाती का बॉल्स बनाते हैं उसी तरह छोटा छोटा बॉल्स बनाइए। आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास वाला बेल बटन भी दबाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका जो भी अच्छा या बुरा कमेंट से वो भी कीजिए। ये राइस का आटा है इसलिए हाथ में थोड़ा प्रेशर देकर बॉल बनाइए, इससे बॉल अच्छा शेप आता है। तो हमारा पूरा बॉल्स रेडी हो गया, अब हम इसे प्रेस करेंगे। आपको चपाती का प्रेशर से भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह का एक पैकेट को 3 तरफ कट किया। बॉल को इस तरह पैकेट के ऊपर रख के एक प्लेट से अच्छे से दबा दीजिए, इस तरह अच्छा सा प्रेस करने का। चपाती के प्रेस पे करने से भी इस तरह प्लास्टिक पे ही प्रेस कीजिए, क्योंकि चावल का आटा इससे स्टिकी होने का चांस ज़्यादा है। इस तरह हमको मिलेगा, बहुत पतला होने का ज़रूरत नहीं है, इस तरह थोड़ा सा मोटा रहेगा। एक एक बॉल्स को इस तरह प्रेस करके हम गर्मा गर्म तेल पे डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। तेल अच्छा गरम होना चाहिए। नईपतल को तेल पे डालते ही इस तरह के एक स्किमर से अच्छे से दबाना चाहिए, इससे नईपतल अच्छा से फूल कर मिल जाएगा इस तरह। अब हम पलट कर दूसरा तरफ को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तेल अच्छा गरम होने से ही नईपतल अच्छे से फूल कर मिलेगा। कभी कभी पहला वाला नईपतल अच्छा फूलता नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बाद में वो तेल अच्छा गरम होते ही नईपतल पूरा इस तरह हमको अच्छा फूला हुआ नईपतल मिल जाएगा। आपको नईपतल को अच्छा राउंड शेप चाहिए तो कोई भी कटर या ढक्कन से अच्छे से कट कर लीजिए प्रेस करने के बाद, और इस तरह फ्राई करके लेने से आपको अच्छा राउंड शेप मिल जाएगा। देखो हमारा नईपतल अच्छा गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया। मैंने इसको चिकन करी के साथ बनाया। हमारा टेस्टी टेस्टी केरला नईपतल रेडी हो गया। ये नॉर्थ केरला में ज़्यादा पॉपुलर है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। आप ट्राई कीजिए, आपका फीडबैक्स कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक अच्छा केरला रेसिपी के साथ। बाय, धन्यवाद।